Hello, students, and welcome to best learning classes. Today, we are going to start a new chapter that is accounting ratio from question number one. So, let's get started. Students' theory of this chapter, I will upload a separate video on that. So, don't worry. Now, we will begin from the questions. Question number one from the following compute current ratio. ओके सो फॉर्मूले जो भी यूज होने हैं वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या लेना है उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी हाँ थ्योरी से रिलेटेड वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी और दूसरी चीज की देखो इस चैप्टर में ना जो मेन रोल प्ले करने वाली चीजें हैं ना वो है फार्मूले तो फार्मूलों के लिए मैं आपको एक प्रॉपर बता दूंगी कि कैसे आप सारे फार्मूले लर्न कर सकते हो क्योंकि तो अगर फार्मूला लर्न है ना तो फिर इस चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है ठीक है तो शुरू करते हैं आपको देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसिस गिवन है कैश एंड कैश इक्यूबेलेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है बिल्स पेबल गिवन है सनड्री क्रेडिटर्स गिवन है डिबेंचर्स गिवन है इन्वेंट्रीज गिवन है एक्सपेंसेस पेबल भी आपके पास गिवन है और आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो देखो स्टूडेंट करंट एसेट्स क्या क्या है देखो ट्रेड रिसीवेबल एज वी नो करंट एसेट्स है प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है कैश एंड कैश इ्यूब करंट एसेट्स है मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स है और इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है तो ये सारे क्या है करंट एसेट्स है इनको लेंगे आप तो इन सबको प्लस करके करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी देखो ये पे मैंने यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज तो स्टूडेंट मेन रोल यहाँ पे किस चीज़ का है कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन से और करंट लाइबिलिटीज कौन सी है तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज यहाँ पे लिख के दे दी है कि करंट एसेट्स कौन कौन से और करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है पूरा अलग से लिखा क्योंकि तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपको एक एक मैं हमेशा ऐसे ही लिख के दूंगी कि करंट एसेट्स उस क्वेश्चन में से क्या क्या है और क्या क्या नहीं है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में भी ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स है कैश एंड कैश इक्यूबलिन भी करंट एसेट्स है मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज आपको हिंट में भी गिवन है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो और लैंड एंड बिल्डिंग तो फिक्स्ड एसेट होता है तो ये तो नहीं है करंट एसेट अब कैसे पता लगेगा करंट एसेट वो जो कि एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं अब जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो यूज हो जाएंगी बट अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा और वो करंट एसेट में इंक्लूड नहीं होगा सेम वे में बिल्स पेएबल हो गए सनरी क्रेडिटर्स हो गए तो ये आपके करंट लाइबिलिटीज में जाएगा और एक्सपेंस पेएबल भी करंट लाइबिलिटीज में जाएगा इन्वेंट्रीज करंट एसेट में जाएगा डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है इसलिए इसको करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दी तो ट्रेड रिसीवेबल्स है कितने के थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस एटी थाउजेंड के प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वन लाख देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज वन लाख एंड इन्वेंट्रीज वन लाख सिक्सटी थाउजेंड टोटल करके ये पूरा अमाउंट एट लाख का बन गया करंट एसेट्स का देन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले बिल्स पेबल जो कि फोर्टी थाउजेंड के गिवन है देन संडी क्रेडिटर्स टू लाख के गिवन है और लास्ट में एक्सपेंसिस पेबल वन लाख सिक्सटी थाउजेंड के गिवन है इन सबको टोटल करके ये अमाउंट फोर लाख का बन रहा है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स की वैल्यू आई है एट लाख और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आई है फोर लाख तो अगर इसको डिवाइड करके अमाउंट निकाले तो ये टू इज टू वन रेशियो बन जाएगा क्योंकि तो जीरो से जीरो सारे कैंसिल तो रेशियो आ गई टू इज टू में वन क्वेश्चन नंबर टू सेम करंट रेशियो कैलकुलेट करना है बट करंट रेशियो के लिए यहाँ पे कोई करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज अलग अलग नहीं गिवन है आपको टोटल एसेट्स बता दिए हैं फिक्स टेंजिबल एसेट्स बता दिए हैं शेयर होल्डर फंड्स नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बताई गई हैं स्टूडेंट्स so ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है जैसे कि हर एक एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी सबसे पहले एसेट्स में कुछ करंट एसेट्स आएंगे कुछ टैंजिबल एसेट्स आएंगे कुछ इन एसेट्स आएंगे कुछ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी या फिर फिक्सड एसेट्स होंगे तो इसी तरीके से एसेट्स का बाइफर्गेशन किया जाता है तो यहां पे आप क्या करोगे टोटल एसेट्स की वैल्यू भी गिवन है फिक्स टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी गिवन है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी गिवन है तो अगर इस पूरे टोटल में से फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हटा दे और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हटा दे तो जो बचेगा वो करंट एसेट्स ही बचेंगे तो ये फॉर्मूला है जो यहां पे यूज किया जाएगा टोटल एसेट्स की वैल्यू आपको ट्वेंटी लाख बताई गई है उसमें से फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वेल्यू इज टेन लैख वो माइनस करेंगे और फिर उसमें से और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सिक्स लैख वो भी लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फोर लैख की वैल्यू करंट एसेट्स की निकल के आ जाएगी इस तरीके से इसमें निकाला जाएगा जब डायरेक्टली नहीं निकल रहा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा देन करंट लाइबिलिटीज में सेम उसी तरीके से किया जाएगा तो करंट लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स माइनस में शेयर होल्डर फंड माइनस में नॉन करंट लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंडस भी लॉन्ग टर्म होते हैं उसके बाद इसमें से नॉन करंट लाइबिलिटीज भी लेस की जाएंगी तो टोटल तो एसेट्स में से जब शेयर होल्डर फंड्स और, और नॉन करंट लाइबिलिटीज लेस हो जाएंगी तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज ही निकल के आएंगी अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे टोटल एसेट्स क्यों यूज किया गया क्योंकि तो टोटल एसेट्स बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज तो जो टोटल तो एसेट्स की वैल्यू है वही टोटल लाइबिलिटीज की भी वैल्यू होगी तो अगर यहाँ पे लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसकी जगह टोटल एसेट्स का यूज भी किया जा सकता है

ने डिवाइड करके जो करंट रेशियो आ रहा है वो टू इज टू वन आ रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको करंट एसेट्स डायरेक्टली यहाँ पे टेन लाख के गिवन है ओके okay. देन आपको इन्वेंट्रीज़ यहाँ पे फाइव लाख ,00 की बताई गई है वर्किंग कैपिटल की वैल्यू सिक्स लाख की बताई गई है आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है हिंट में बोला है कि इन्वेंट्रीज ऑलरेडी करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा कर दो कि यहाँ पे जो करंट एसेट्स की वैल्यू है टेन लाख ,00 की उसमें आप फाइव लाख ,00 और प्लस कर लो इन्वेंट्री का तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि तो वो इंक्लूड ऑलरेडी है तो इसीलिए सिर्फ करंट एसेट्स की वैल्यू में इन्वेंट्रीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना वो कंफ्यूज करने के लिए गिवन है देन आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी नीचे गिवन है जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज होता है अगर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है और इनमें से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू गिवन है तो उससे आप उससे दूसरी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो तो आपको सिर्फ ये एक फार्मूला लर्न करना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में सिक्स लाख का गिवन है देन अगर करंट एसेट्स की बात करें तो जैसे कि देखा हमने टेन लाख के हैं और उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ जो कि अभी हमें कैलकुलेट करनी है तो अगर ये करंट लाइबिलिटीज़ को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाए और सिक्स लाख को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाए तो साइन इंटरचेंज हो जाएंगे तो टेन लाख में से सिक्स लाख माइनस करके फोर लाख जो है आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई देन करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ करने के लिए करंट एसेट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे टेन लाख ,00 के और फोर लाख ,00 की हो गई करंट लाइबिलिटीज़ तो टू पॉइंट फाइव इस टू वन आ गया करंट रेशियो तो एक नया फॉर्मूला कौन सा आया यहाँ पे ये वाला वर्किंग कैपिटल का सेम उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी वही है यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू तो गिवन ही है कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड पेबल्स की वैल्यू भी दे दी है तो इस पर ध्यान नहीं देना जब तक क्वेश्चन में अलग से ये चीज़ गिवन ना हो कि ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्लूडेड नहीं है तब तक ट्रेड पेबल्स पर ध्यान ही नहीं देना उन्हें इग्नोर कर देना है अगर करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आपको गिवन हो तो ठीक है और वर्किंग कैपिटल गिवन है तो बस इसमें इंटरचेंज ये हो गया कि यहाँ पे करंट एसेट्स गिवन थे यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है तो वही सेम फार्मूला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा वर्किंग कैपिटल नाइन लाख का गिवन है करंट एसेट्स हमें कैलकुलेट करना है और करंट लाइबिलिटीज़ थ्री लाख की हैं उसको उधर ले जाएंगे उसको इधर ले आएंगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ट्वेल्व लाख ,00 की बन गई करंट एसेट्स आ गए ट्वेल्व लाख के और करंट लाइबिलिटीज़ थ्री लाख की ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी तो रेशियो आ गया फोर इज टू में वन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है टोटल डेप्ड गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है अब क्या है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्यों क्योंकि तो यहाँ पे एसेट्स से रिलेटेड तो कुछ भी गिवन ही नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा डेप्ट क्या होता है डेप्ट इज कर्ज कर्ज मतलब लाइबिलिटी यही होता है तो आपको टोटल डेप्ट गिवन है ना तो वर्ड चेंज कर दिया डेप्ट मतलब लाइबिलिटी ही होता है अगेन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लाइबिलिटी की जगह यहां पे डेप्ट वर्ड का यूज करा बस और कुछ भी चेंज नहीं है आपको टोटल लाइबिलिटी गिवन है अब लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा कुछ करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी तो कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी ऐसे ही तो बनती है ना बैलेंस शीट बैलेंस शीट में कुछ आप करंट लाइबिलिटीज लेते हो और कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज लेते हो और उनको मिला के टोटल लाइबिलिटीज बनती हैं तो जो पहली चीज इस क्वेश्चन में समझने वाली है वो यही है कि टोटल डेप्ट इज नथिंग बट योर टोटल लाइबिलिटीज आपको यहां ,00 ,00 नॉन करंट लाइबिलिटीज ,00 ,00 गी है करंट है नहीं करंट लाइबिलिटीज चाहिए भी है क्योंकि तो हमें करंट रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे पहले फॉर्मूला लिखोगे उसमें देखोगे कि क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए क्या कुछ गिवन है नहीं इन दोनों में से कुछ भी गिवन 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 नहीं है अब यूज़ यूज़ करेंगे गिवन के तो गिवन के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली तो तो ये ये किया और से 24 ,00 ,00, अगर वैल्यू निकालें ट्वेंटी आप लेस करोगे तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू थ्री लैख यहाँ पे निकल के आ गई इसके बाद क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल अब भाई क्वेश्चन में गिवन है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज़ वर्किंग कैपिटल गिवन कितना है गिवन है सिक्स लाख का ओके देन सिक्स लाख का हो गया वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स है नहीं और करंट लाइबिलिटीज़ अभी आपने थ्री लाख का निकाला ही है तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स लाख ,00 प्लस थ्री लैख तो ये इक्वल्स टू की उस साइड जाएगा तो ये वैल्यू आ गई नाइन लैख अब दोनों चीजें आ गई करंट एसेट्स आ गए नाइन लैख ,00 के और करंट लाइबिलिटीज आ गई थ्री लैख की तो रेशियो आ गई थ्री इज टू में वन ओके देन नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स करंट रेशियो ही आपको इस बार क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल बता दिया अब वो बोल रहे हैं कि करंट एसेट्स की भी वैल्यू निकालो और करंट लाइबिलिटीज़ की भी वैल्यू निकालो देखो आपको करंट रेशियो गिवन कितना है टू पॉइंट फाइव कुछ भी नहीं है मतलब टू पॉइंट फाइव इस टू में वन हो गया अच्छा अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स डिवाइड में करंट लाइबिलिटीज ओके okay. देन मतलब टू पॉइंट फाइव बाई वन इज़ इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ अब यहाँ से किसी एक चीज़ की वैल्यू तो निकाल सकते हैं तो अगर यहाँ से मैं करंट एसेट्स की वैल्यू निकालूँ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हो जाए यहाँ पे तो ये टू पॉइंट फाइव ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगा क्योंकि तो देखो इसमें और कुछ नहीं लग सकता सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है वर्किंग कैपिटल अब यहाँ पर मैं लिख दूँ ठीक है वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ फिर आगे कोई स्टेप ही नहीं है तो इसका यूज़ करना पड़ेगा ना तो वो यूज़ कैसे करोगे दोनों में से किसी एक चीज़ की वैल्यू को निकाल के तो ये निकल गई अब वैल्यू इसको अब आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए किस तरीके से इसका यहाँ पे यूज़ होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ था वर्किंग कैपिटल वन लैख फिफ़्टी थाउजेंड का गिवन है ओके okay. देन अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपने देखा कि करंट एसेट्स की वैल्यू आपने ये निकाली है टू पॉइंट फाइव ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ एंड माइनस में तो करंट लाइबिलिटीज़ है ही तो वो आपने लिख दिया अब देखो यहाँ पर है टू पॉइंट फाइव यहाँ पर है वन तो देखो ये तो सिंपल मैथ्स है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है ओके okay, जैसे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स में यूज़ किया जाता है वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होगी तो 2.5 में से आपको वन लेस करना है तो ध्यान रखना डेसिमल है यहाँ पे तो अगर इसको सब करेंगे तो 1.5 इसकी वैल्यू बनेगी ओके okay. तो यहाँ पे क्या आ गया कि वन लैख फिफ़्टी थाउजेंड इज़ इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव करंट लाइबिलिटीज़ ये हो गया अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल्स टू तो के उस साइड जाके वो डिवाइड में चला जाता है तो ये चीज़ उसके उस साइड डिवाइड में यहाँ पे चली जाएगी तो देखो किस तरीके से बनेगा वन लैख फिफ़्टी थाउजेंड के डिवाइड में वन पॉइंट फाइव आ जाएगा और अगर इसको सॉल्व आउट किया जाए मतलब देखो यहाँ से डेसीमल हटा के मल्टीप्लाई में चला जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल मैथ्स है और यहाँ से इसकी कट होगी तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या निकल के आ गई वन लैक आ गई ठीक है और करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है तो आपने अभी क्या देखा था कि जो करंट एसेट्स है वो वन पॉइंट फाइव ऑफ करंट लाइबिलिटीजन इंटू में करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू रख देंगे वन लैख तो ये आपके पास कितना बन जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो इस तरीके से वैल्यू आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ भी यूज़ करके लॉजिक यूज़ करके मैथ्स का यूज़ करना है यहाँ पे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन अगेन वर्किंग कैपिटल गिवन है तो देखो एक ही फॉर्मूला है सिर्फ वर्किंग कैपिटल का उससे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वर्किंग कैपिटल है, है ट्रेड पेबल्स है अदर करंट लाइबिलिटीज़ है तो ध्यान रखना इस बार आपको अदर करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है करंट लाइबिलिटीज़ नहीं गिवन है तो इस बार आप ट्रेड पेबल्स को इग्नोर नहीं करोगे तो देखो वर्किंग कैपिटल अब देखिए तो कितने का गिवन है एटीन लाख ,00 का अगर करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़ यही होगा ना कि देखो कुछ अलग करंट लाइबिलिटीज़ थी कुछ ट्रेड पेबल्स जो वो भी करंट अगर देखो मान लो या ट्रेड पेबल्स की जगह कोई और लाइबिलिटी गिवन होती फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स गिवन होते शेयर होल्डर फंड्स गिवन होते और वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती तो उसे इग्नोर कर देते ठीक है बट यहाँ पर जो ये ट्रेड पेबल्स है ना ये भी करंट लाइबिलिटी ही है तो बाकी की करंट लाइबिलिटी में आप ट्रेड पेबल्स को इंक्लूड करोगे और फिर निकालोगे अगेन वही चीज़ क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली गिवन है कि इन अदर करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेपर्स इंक्लूडेड है तो इग्नोर कर दो नहीं गिवन है तो इंक्लूड करो अब अदर करंट लाइबिलिटीज और इसकी दोनों की वैल्यू गिवन है तो वन लैख एटी थाउजेंड प्लस फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड गिव्स यू सिक्स लैख तो सिक्स लैख आ गई करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू अब बात आती है भाई करंट एसेट्स की तो अगेन वर्किंग कैपिटल का यूज़ करो भाई गिवन है तो कहीं ना कहीं यूज होना ही होना है तो so, यहीं पे यूज होगा तो वर्किंग कैपिटल आपको एटीन लाख का गिवन है ठीक है और इधर में क्या आ जाएगा कि करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज लिख रख दो सिक्स लैख की अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे एटीन लैख प्लस सिक्स लैख हो जाएगा और करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फोर लैख दैट्स इट अब करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज तो करंट एसेट्स आपने अभी ट्वेंटी फोर लैख के निकाल ही लिए और करंट लाइबिलिटीज भी अभी निकाल ली थी सिक्स लैख ,00 की तो रेशियो बन गया फोर इस टू में वन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में भी वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको नाइन लाख का टोटल डेप्स देखो इस बार क्या किया डेप्स के ब्रैकेट में लाइबिलिटी लिख दिया जो कि अब आपको ऑलरेडी खुद भी पता है ठीक है तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में लिखा आएगा और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नहीं लिखा आएगा देन आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट भी गिवन है आपको करंट रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है बट ध्यान रखना है कि जो फॉर्मुले है ना तो ये आपको खुद सोचने हैं क्योंकि एग्जाम में लिखे हुए नहीं आएंगे अब देखो जैसे यहाँ पे टोटल डेप्स है अब अपना लॉजिक यूज करो देखो टोटल डेप मतलब टोटल लाइबिलिटी अभी हमने पीछे क्या देखा था कि टोटल लाइबिलिटी में स्टूडेंट दो ही तरीके की लाइबिलिटी आने वाली है या तो करंट या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज राइट तो ये चीज़ आपको खुद पता है ना तो खुद यूज करो हिंट को देखो ही मत हिंट पे ध्यान ही मत दो तो. अब टोटल डेप कितने के गिवन है वन नाइन फाइव वन टू थ्री फोर नॉन करंट लाइबिलिटीज कितने की हैं? फिफ्टीन लाख हमें क्या निकालना है करंट लाइबिलिटीज ना तो करंट लाइबिलिटीज इन दोनों को लेस करके निकाल दो फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड की वैल्यू जो है आपके पास करंट लाइबिलिटी इसकी यहाँ पे निकल के आ गई अब अगर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू भी आपके पास नाइन लैख करंट एसेट्स आपको निकालने हैं और करंट लाइबिलिटी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड का है ये आप अभी ऑलरेडी देख चुके हो तो यहाँ से अगर करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लें तो ये आपके पास इससे निकल के आ गई अब करंट रेशियो अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें तो वो क्या हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ तो करंट एसेट्स आप यहाँ पे वैल्यूज़ की पुट कीजिए करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आप पुट कीजिए आपके पास ये रेशियो कितना आ गया थ्री इज टू में वन क्वेश्चन नंबर नाइन करंट एसेट्स आपको गिवन है स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इसमें तो बस एक ही फार्मूले में पूरी बात हो जाएगी कैसे देखो वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का करंट एसेट्स है सेवन लैख फिफ़्टी थाउजेंड की आपको करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो करंट लाइबिलिटीज़ कैसे आएंगी इनको आपस में लेस करके जो कि आ गई फाइव लैख ,00 की ठीक है तो करंट रेशियो इस करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है सेवन लैख फिफ़्टी थाउजेंड और अभी आपने करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकाली है फाइव लैख तो ये क्या बन गया वन पॉइंट फाइव बाई वन डैट इज़ वन पॉइंट फ़ाइव रेशियो वन नाउ क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो अ कंपनी हैड करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज आफ्टर वर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर थर्टी थाउजेंड ऑन क्रेडिट कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज अब देखो क्या है क्वेश्चन में क्या था ना करंट एसेट्स की वैल्यू भी डायरेक्टली गिवन करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू भी डायरेक्टली गिवन बोल रहे हैं इसके बाद उन्होंने क्या किया गुड्स तो खरीदे ही खरीदे वो भी क्या करा क्रेडिट पर खरीद लिए वो बोल रहे हैं करंट रेशियो तो कैलकुलेट करो बट आफ्टर द परचेज करो देखें

होगा तो करंट एसेट्स पहले से कितने के गिवन थे फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड के उसमें आपने क्या किया स्टॉक थर्टी थाउजेंड का और ख़रीद लिया तो अब बढ़ के परचेज के बाद जो करंट एसेट्स हैं वो फोर लैख एटी थाउजेंड के हो गए अब करंट लाइबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो करंट लाइबिलिटीज़ जो थी पहले की वो टू लैख थी उसमें क्रेडिटर्स भी इंक्लूड होंगे क्योंकि तो देखो आपने अभी क्रेडिट पे लिया है ना तो फिर ये क्या है ये भी तो शॉर्ट टर्म है ये भी करंट लाइबिलिटी है तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया और ये बन गया टू लैख थर्टी थाउजेंड ठीक है अब सिंपल न्यू करंट एसेट्स और न्यू करंट लाइबिलिटी फार्मूला लगा देंगे फोर लैख एटी थाउजेंड बाई टू लैख थर्टी थाउजेंड गिव्स यू टू पॉइंट जीरो नाइन रेशियो वन तो मुश्किल नहीं था स्टूडेंट थोड़ा अलग था डैट सेट सो डैट सेट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट स्टिल कोई भी डाउट हो छोटा सा भी तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ के उसे क्लियर कर लीजिएगा एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल